हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई मींस कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को डिटरमिन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या Sx इज अ फंक्शन ऑफ दिस ऑल, इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स दैट इज गोल ऑफ द फर्म्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्सपेक्टेशंस, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं। ये सभी फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करेंगे सप्लाई को, तो देखिए वन बाय वन इसको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है आपका सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो हमने मीनिंग में ही ये पढ़ा था कि प्राइस ऑफ गुड एक्स जैसे जैसे बढ़ते हैं, प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। सो दैट इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, एक प्रोड्यूसर है, उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो वो प्रॉफिट कब कमाता है, जब उसके प्रोडक्ट के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं। जब उसके प्रोडक्ट के प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है प्रोडक्शन करने में। ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज्यादा सप्लाई करेगा, इस केस में जब उसके प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। एंड वाइस वर्सा, अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, तो सप्लाई भी वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा, अपनी प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देगा। इसलिए इसके बीच और इसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड कौन कौन सी हो सकती है, या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगी या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जिनको हम एक की जगह दूसरी गुड को यूज कर सकते हैं, अगर एक अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी यूज कर सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफी। अगर हमारे पास टी नहीं है तो हम कॉफी पी सकते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब एक प्रोड्यूसर है, वो टी भी प्रोड्यूस कर रहा है एंड कॉफी भी प्रोड्यूस कर रहा है। मार्केट में क्या हुआ, टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जब टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो प्रोड्यूसर क्या करता है, कॉफी की क्वांटिटी सप्लाई कम कर देता है। क्यों, क्योंकि उसको फायदा किसमें है, टी में, टी को सेल करने में फायदा है। तो इसलिए वो सारे के सारे फैक्टर्स को कहां पे लगा देता है, टी को प्रोड्यूस करने में लगा देता है, सो दैट टी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो और ज्यादा उसकी सप्लाई कर सके, क्योंकि इसके प्राइसेस ज्यादा है। तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी प्रोडक्शन को कम कर देगा, प्रोडक्शन को कम करने से इसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी मार्केट में। तो इसलिए इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा, कि टी की क्वांटिटी, टी के प्राइस बढ़ने से कॉफी की क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई, कम। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, इस केस में क्या है कि इन दोनों चीजों को हम इकट्ठा यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती क्या, लाइक पेन और रिफिल, कि जिनको हम इकट्ठा यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास पेन हो, रिफिल ही नहीं हो, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कार एंड पेट्रोल की। तो कार एंड पेट्रोल अगर एक चीज के भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन दोनों की सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी मार्केट में, क्योंकि एक की अगर सप्लाई बढ़ रही है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि इनको जो यूज करना है वो क्या होगा, इनको सेम ऑर्डर में यूज करना है। कि अगर कार यूज कर रहे हैं लोग, कार की सप्लाई ज्यादा हो रही है मार्केट में, तो पेट्रोल की भी होगी ही होगी, क्योंकि क्यों होगी, क्योंकि ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट फैक्टर है आपका नंबर ऑफ फर्म्स। अगर नंबर ऑफ फर्म्स की बात करें कि इंडस्ट्री में जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होती हैं, सारे की सारी फर्म्स क्या कर रही हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं। जब ज्यादा फर्म्स होंगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी किसी कॉमोडिटी की, तो उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। जब प्राइसेस कम हो जाएंगे तो प्रोड्यूसर डिमोटिवेट होके क्या कर देंगे, प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसको, उनको उसमें बेनिफिट ही नहीं होगा। तो सेम इसके उल्टा, कि अगर कम फर्म्स हैं मार्केट में, कम सप्लाई होगी, कम प्रोडक्शन होगी, तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे और प्रोड्यूसर को फायदा होगा। तो इसलिए सप्लाई को क्या होगा, इससे सप्लाई ज्यादा होगी, जब प्राइसेस क्या होंगे, प्राइसेस ज्यादा होंगे और सप्लाई भी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अब मार्केट में जो फर्म्स हैं वो लिमिटेड हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका गोल ऑफ द फर्म, कि फर्म का मेन गोल क्या है, मोटिव क्या है। अगर फर्म का मेन मोटिव प्रॉफिट ओरिएंटेशन, मीन अगर फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है तो वो क्या करेगी, प्रोडक्ट के प्राइसेस ज्यादा रखेगी। बट अगर वो मार्केट स्टैंडिंग, एक नई फर्म
अगर एक नई फर्म आती है तो उसका मेन मोटिव होता है कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना, कि मैं अपना होल्ड बनाऊं पहले मार्केट में, किससे, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सेल्स मैक्सिमाइजेशन क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग में अपना होल्ड करने के लिए प्राइस को कम रखेगी। इसलिए अगर कोई फर्म है उसका मोटिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो वो प्राइस को कम करेगा, कम रखेगा। बट अगर जिसका प्रॉफिट मोटिव है वो क्या करेगा, प्राइस को ज्यादा रखेगा। तो क्या होगा इससे, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट मोटिव में उसका मेन मोटिव है उसके प्रोडक्ट के प्राइसेस ज्यादा हो, तो इससे उसका क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी कम सेल होगी। बट मार्केट स्टैंडिंग, या हम बोले इसको सेल्स मैक्सिमाइजेशन के केस में, इससे प्राइसेस कम रखेगा प्रोड्यूसर, बट उसकी क्वांटिटी ज्यादा सेल होगी मार्केट में। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई को कैसे इफेक्ट करेंगे? अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड होगी, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये सभी क्या हो, इससे क्या इफेक्ट होगा, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई को कम कर देगा। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट कम आ रही है तो वो सप्लाई को ज्यादा कर देगा। क्यों? क्योंकि इससे कॉस्ट कॉस्ट ज्यादा आ रही है, खर्चे ज्यादा आ रहे हैं और प्रॉफिट कम हो रहा है उसको, तो सेम वाइसा वर्सा। नेक्स्ट आ जाता है आपका बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, कि उसको फ्यूचर में कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर उसको लगता है हाँ मेरे प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो वो सप्लाई को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। एंड अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कम होगा तो वो सप्लाई भी कम कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक, अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है प्रोडक्ट पे, क्या करती है, टैक्स लगा देती है, तो क्या होगा, इससे सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कॉस्ट उसको ज्यादा लगेगी। जब उसको बनाने में कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मींस कॉस्ट तो वही आएगी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं, प्लस इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज मींस टैक्स भी ऐड हो गया, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी उसके प्रोडक्ट की। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसको बेनिफिट कम होंगे, तो जब बेनिफिट कम होंगे तो वो सप्लाई को कम कर देगा। एंड सेम इसके उल्टा, जब गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे सब्सिडीज दे देती है तो इससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर सप्लाई को इंक्रीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि इससे उसकी कॉस्ट कम आनी शुरू हो जाएगी गुड्स की। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर तो प्रोड्यूसर अच्छी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो इससे उसका प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पहले सेम टेक्नोलॉजी पे, वो अगर पेन की बात करें, पुरानी टेक्नोलॉजी में वो एक टाइम पे 100 पेन को प्रोड्यूस कर पा रहा था। एक टाइम पे जो उसके पास फैक्टर्स थे उनसे वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा था 1 घंटे के अंदर। बट नई टेक्नोलॉजी के आने से सेम टाइम पीरियड पे वो सेम फैक्टर्स पे वो 20 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि अगर एडवांस टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है तो इससे सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड वाइस वर्सा, अगर पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो इससे सप्लाई भी कम होगी। ये थे आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई।